हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा वीडियो के आखिर में। उससे पहले एक चीज समझ लें, लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा। इसके लिए आपको बस पेशेंस रखना होगा और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं है तो 10 मिनट के लिए उसके मालिक होने के बारे में भी ना सोचें। तो चलिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, कैश फ्लो, आरओसीई और रिटर्न्स। आगे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे आपको कंपनी के खर्च और कंपनी का इनकम और साथ ही साथ कंपनी का मुनाफा यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम आगे देखते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस। तो लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने अपनी बिजनेस को यानी इंक्रीज किया है। अब सेल्स इसका इंक्रीज मतलब अपने सेल्स को इंक्रीज करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और हम ये देखना है कि कंपनी ने मुनाफा कितना बनाया है। यही है हमारे टारगेट, यानी मिनिमम 15% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाना चाहिए। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं डॉटेड लाइंस के ऊपर है, इसका मतलब मिनिमम 15% के ऊपर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। जबकि एक या दो बार आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नीचे दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं सेल्स वर्सेस एक्सपेंस। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि देखना यहाँ पे कंपनी का सेल्स यानी हमेशा उसके एक्सपेंसेस से ऊपर होना चाहिए। अगर कंपनी का सेल्स अगर नीचे है तो कंपनी घाटे में है, यानी उसके खर्च ज़्यादा हैं और कंपनी अपना बिजनेस कम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप नज़र आ रही है और ये जितना ज़्यादा बड़ा गैप होगा उतना बेहतर होगा। आगे हम देखते हैं सेल्स, यानी सेल्स हमें देखना है कि लगातार क्या सेल्स कंपनी का इंक्रीज हो रहा है या नहीं। इसको हम समझने के लिए आसान तरीका ये है कि कंपनी हमेशा अपना सेल्स को नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, लगातार कंपनी अपना बिजनेस हर साल अपना बिजनेस को यानी अपने सेल्स को बढ़ा कर रही है। तो ये जो डिफरेंस है मतलब इस साल और आने वाले साल की दोनों साल के बीच में इतनी गैप बन रही है। तो हम आगे देखते हैं ये सेल्स ग्रोथ, इसका मतलब क्या है, कंपनी का करंट ईयर का सेल्स और प्रीवियस ईयर सेल्स को हमने माइनस किया और डिवाइड किया प्रीवियस ईयर सेल्स के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 से। इसे हमें पता चलेगा कि पिछले साल से इस साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है सेल्स में। तो इसको हम कहते हैं सेल्स ग्रोथ, ये परसेंटेज से आप पता कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, अपना जो टारगेट है यानी हर साल कंपनी मिनिमम 10% का यानी सेल्स ग्रोथ दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने 10% से नीचे दो बार ऐसी जगह है जो 2020 और 2016 के आसपास आपको देखने मिल रही है जहाँ पे कंपनी ने यानी टारगेट से बिलो परफॉर्म है और यानी माइनस में गया है और बाकी हर साल अपना परफॉर्मेंस अबव द टारगेट किया है। जब हम एवरेज देखते हैं तो एवरेज में 10% के ऊपर ही दिखाई दे रहा है सिर्फ स्टार्टिंग के 2 साल। आगे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.5। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है, ये आपको पता कर सकते हैं। इसका एक ऐसा मेजर है जिससे कंपनी की एफिशिएंसी आपको पता कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी आप पता कर सकते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट मेजर है जिसमें आप कॉम्पिटिटर की एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कॉम्पिटिटर कितना प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है और आप कितना बना, ये कंपनी कितना बना रही है ये देख सकते हैं। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट है 15%, यानी हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 15% होना चाहिए। जबकि ये कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्री हर साल लगातार 15% से ऊपर परफॉर्म किया है, सिर्फ एक साल ऐसा है जहां पे उसने 14% किया है और करंट ट्रेलिंग में दिखा रहा है कि 13%। तो आप देख सकते हैं कि
ये लगातार 15% के ऊपर परफॉर्म किया है। और जब हम एवरेज चेक करते हैं तो पिछले 10 सालों में 16% और पिछले 5 सालों में भी 16%, यानी लगातार वो 15% के ऊपर ही परफॉर्म किया है। रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स, इससे हम कंपनी के पास पता कर सकते हैं कि पैसा कितना है और डेट कितना है। और यहाँ पे हमें देखना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कंपनी क्या लगातार डेट को बढ़ा रही है या घटा रही है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो टारगेट लाइन है, 85% हमारा टारगेट है जो कि कंपनी के पास रिजर्व्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी शुरुआत उसका डेट ज़्यादा था और लगातार उसने अपने डेट को कम करते हुए आई है। अब पिछले 2 सालों में इसके पास ना के बराबर है, नीचे सिर्फ 1% की डेट है, बाकी 99% कंपनी के पास रिजर्व्स है। आप यहाँ पे वैल्यू वाइज देख सकते हो तो लगातार अपना रिजर्व्स कंपनी बढ़ा रहा है। ऑपरेटिंग कैश, कंपनी अपने ऑपरेशंस में जो पैसा बनाया, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा लगाया। ये दोनों, एक पॉजिटिव नंबर होता है और दूसरा नेगेटिव नंबर होता है। जब हम इसको दोनों को जोड़ते हैं, अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नंबर आता है तो वो अच्छा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है पिछले 10 सालों में, यानी आपको पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। आगे हम डिस्कस करते हैं रेशियोस, और रेशियोस में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे हम पता कर सकते हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों को मिला के कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो पिछले 10 सालों में हमारा टारगेट हमने सेट किया है 15% का, तो लगातार कंपनी ने 15% के ऊपर ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी दिया है, यानी लगभग 34% तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42% तक भी आपको देखने को मिल रहा है। आखिर में हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइम रिटर्न्स, यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा। यहाँ पे ऑल टाइम में आप देख सकते हैं 13,600 से भी ज्यादा कंपनी ने ऑल टाइम रिटर्न्स दिया है। आपको यहाँ पे ये देखना होगा अच्छी कंपनीज और लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे स्टॉक्स आपको लेकर आ सकूं। अगर आपके कोई मन पसंदीदा स्टॉक्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।